हेलो दोस्तों, मैं टेक्निकल शिवशंकर कुमार बोल रहा हूँ। मेरे पास ये पैनासोनिक का ये एक एलईडी 24 इंची का आया बनने के लिए, जिसका मॉडल नंबर देख रहे हैं TS20D400DX है। ये टीवी स्टैंड बाय में आया था मेरे पास, इसमें लाल बत्ती जल के उसके बाद बुझ जाता है, रेड इंडिकेटर होता है, उसके बाद फिर ये बंद हो जाता है। उसके बाद कोई सप्लाई नहीं बनता है, सिर्फ 12 वोल्ट बनता है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका बोर्ड नंबर भी है, ये इसका बोर्ड नंबर है और ये इसका 5 वोल्ट का रेगुलेटर है जिस पे 12 वोल्ट आ रहा था और ये 5 वोल्ट आउट नहीं कर रहा था। ये आप देखिए, मैंने इसे निकाल कर फिर से इसको रिसोल्डिंग कर दिया है। अब मैं इसका आपको टीवी एक बार चालू करके दिखाता हूँ। ये इसका इंडिकेटर है, देखिए, ये देखिए रेड इंडिकेटर हुआ और ये पहले जल के बंद हो जाता था, अब ये देखिए ग्रीन हो गया है। अब ये देखिए मेरा बिल्कुल ओके हो गया। इसमें प्रॉब्लम था, 5 वोल्ट नहीं बन रहा था, 5 वोल्ट उस पिन से नहीं निकलता था। मैंने ऐसे निकाल के इसको फिर से साफ करके लगा दिया है और ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। मैंने 1 घंटा इसको चला लिया है दोस्तों, ये मेरा बिल्कुल ओके हो गया है। थैंक यू दोस्तों।